वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मशहूर टीवी शो क्राइम पेट्रोल के एक्टर शफीक अंसारी का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक शफीक कई साल से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। मुंबई में उनका इलाज हो रहा था, लेकिन 10 मई को वो जिंदगी की जंग हार गए। टीवी जगत की जानी मानी संस्था सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि सिंटा ने ट्वीट के माध्यम से इस खबर की जानकारी दी। इस ट्वीट में बताया गया है कि अभिनेता शफीक अंसारी ने 10 मई को आखिरी सांस ली। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में शफीक अंसारी के बारे में सब कुछ। गौर करने वाली बात है कि महज 15 दिनों में ही बॉलीवुड को 3 बड़े झटके लगे हैं। 29 अप्रैल को अभिनेता इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कहा था। इसके बाद 30 अप्रैल को ऋषि कपूर का निधन हो गया। वहीं अब शफीक अंसारी की मौत की खबर के बाद बॉलीवुड को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि शफीक अंसारी ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और राइटर के रूप में माया नगरी मुंबई में कदम रखा था और मनोरंजन की दुनिया में अपना सफर शुरू किया। इसके बाद धीरे से वो एक्टिंग करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शफीक पिछले कई साल से पेट के कैंसर से जूझ रहे थे और आखिरकार वो इस घातक बीमारी से जंग हार गए। आपको ये भी बता दें कि पिछले 15 दिन में इरफान खान और ऋषि कपूर के बाद अब एक्टर शफीक अंसारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बॉलीवुड के ये तीनों ही कलाकार कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित थे। इरफान खान ने लंबे समय तक लंदन में इलाज कराया था और पिछले साल वो भारत लौटे थे। 28 अप्रैल को अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। उसके बाद उनका महान निधन हो गया। इसके अगले ही दिन ऋषि कपूर भी हमें अलविदा कह गए। ऋषि कपूर भी लगभग 1 साल तक अमेरिका में इलाज कराने के बाद हाल ही में भारत लौटे थे। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में दोनों अभिनेताओं के अंतिम संस्कार में ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाए। शफीक अंसारी ने क्राइम पेट्रोल के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया है। उनके निधन की खबर से उनके फैंस को करारा झटका लगा है, जो सोशल मीडिया पर लगातार शोक जता रहे हैं। बता दें कि शफीक अंसारी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य थे। ऐसे में उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सिंटा ने लिखा, अंसारी शफीक जून 2008 से सिंटा के सदस्य थे। उनके निधन पर एसोसिएशन संवेदनाएं व्यक्त करता है। आपको बता दें कि शफीक अंसारी क्राइम पेट्रोल में काम करने के अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर और राइटर भी थे। साल 2003 के सबसे बड़े हिट मूवी बागबान की स्क्रीन राइटिंग करने वालों में शफीक अंसारी भी शामिल थे। बता दें कि बागबान में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी मुख्य भूमिका में थे। इसके अलावा शफीक ने कई दूसरी फिल्मों के भी स्क्रिप्ट लिखे थे। इनमें दोस्त, इज्जतदार, प्रतिज्ञा, दिल का हीरा आदि फिल्में शामिल हैं। शफीक अंसारी के निधन पर जनसत्ता भी दुख जता रहा है। यकीनन अब क्राइम पेट्रोल में शफीक अंसारी के अलग अलग किरदारों को बेहद मिस किया जाएगा। अगर आप शफीक के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में उन्हें अलविदा कह सकते हैं। बॉलीवुड के और भी खबरों के से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।